नंबर 76 देखो, अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन कैन बी टर्म एज, ठीक है, अभी जो अनफोल्डिंग होती है प्रोटीन की उसे क्या बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही रहेगा। प्रोटीन का जो डीनेचुरेशन होता है उसे हम अनफोल्डिंग भी बोलते हैं। डीनेचुरेशन में होता क्या, जैसे कि हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं ना, जो उसके अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर होती है, उसमें 3D स्ट्रक्चर रहेगी प्रोटीन की, ठीक है। जो वो 3D स्ट्रक्चर है वो वापस जब प्राइमरी में कन्वर्ट हो रही है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डीनेचुरेशन। अब डीनेचुरेशन होता किस कारण से है, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन ज्यादा टेम्परेचर मिला प्रोटीन को, ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर पे एक्सपोज किया गया, तो उसमें जो वीक बॉन्ड्स रहेंगे ना, जो वीक लिंकेज रहेंगी, वो सारी ब्रेक हो जाएंगी। और जब स्ट्रक्चर 1D से या 2D से जब 3D स्ट्रक्चर बनी थी, तो उसमें जो नए बॉन्ड्स बने थे वो बॉन्ड्स होते हैं वीक, ठीक है। वो बॉन्ड्स वीक रहेंगे तो वो सारे बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे जब उन्हें ज्यादा टेम्परेचर पे एक्सपोज किया जाएगा। या फिर अगर अपने बात करें, सिर्फ टेम्परेचर का नहीं है, कई बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लेता है, एडवर्स कंडीशन कोई भी हो सकती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पीएच की बात अपन करें भी, अगर एबनॉर्मल पीएच होगी, ठीक है, या तो एसिडिक हो गई या फिर एल्केलाइन हो गई, तो दोनों केसेस में ही प्रोटीन की डीनेचुरेशन हो सकती है, ठीक है। तो एडवर्स कंडीशन कोई भी है, टेम्परेचर से रिलेटेड, पीएच से रिलेटेड, तो जो वीक बॉन्ड्स रहेंगे उसमें वो सारे ब्रेक हो जाएंगे, और जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन की उसकी अनफोल्डिंग हो जाएगी, ठीक है, 3D से वो वापस कन्वर्ट हो जाएगी प्राइमरी के अंदर, और इस फिनोमिना को हम बोलेंगे डीनेचुरेशन। अब एक चीज और याद रखना, यहाँ पे आपको बोला है भी जो वीक बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। आपको पता है भी जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोलते हैं ना, प्रोटीन को हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब क्या रहेगा, कि पेप्टाइड बॉन्ड है इसके अंदर, जो प्रोटीन है वो किससे जुड़ के बना हुआ है, अमीनो एसिड से जुड़ के बना हुआ है, अमीनो एसिड से। और ये जो अमीनो एसिड है ये आपस में किससे जुड़ेंगे, ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। ये क्वेश्चन भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है भी दो अमीनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, तो दो अमीनो एसिड्स के बीच में पाया जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड, ये आपको याद रखना है एक चीज तो। और जो प्रोटीन है उसे पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोला जाता है। और एक क्वेश्चन और बनता है इससे, प्रोटीन को कई बार बोला जाता है पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, कभी बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ के प्रोटीन की स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। और वही जब मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर थी, ठीक है, 1D स्ट्रक्चर थी, उसमें तो पेप्टाइड बॉन्ड ही था, उसके बाद वो आपस में कई सारे बॉन्ड्स बना लेता है जिससे 2D या 3D स्ट्रक्चर बनती है, और वो उतनी ही जल्दी ब्रेक हो जाती है। थोड़ी सी भी एडवर्स कंडीशन आएगी वो ब्रेक हो जाएगी, वापस प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन, ठीक है। और प्रोटीन से रिलेटेड एक बात आप और याद रख रहे ना, प्रोटीन के अंदर होता है 16% नाइट्रोजन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव में या वैसे स्टेटमेंट में पूछ लेता है, तो 16% नाइट्रोजन रहेगा प्रोटीन के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन द शिफ्टिंग साइकिल हैज बीन श्रंक टू अबाउट 5 ईयर्स और इवन बिलो 5 ईयर्स मेनली ड्यू टू, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन से आप सभी फेमिलियर हो, ठीक है, इसे हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं, इसके सिनोनिम्स भी कई बार पूछ लेते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं, या फिर इसे हम झुमका कल्टीवेशन भी बोलते हैं, सॉरी झुमका नहीं, झुमका तो उसका हो गया, वो ग्राउंडनट की जो बंच टाइप वैरायटीज होती है ना उसे झुमका बोलते हैं, झूम कल्टीवेशन बोलते हैं इसे, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे किसी भी एरिया पे फॉरेस्ट ग्रो हो रहा है, तो उस फॉरेस्ट को काट दिया जाएगा, ठीक है। ये स्लैश एंड बर्न नाम है ना, स्लैश का मतलब है काटना, बर्न का मतलब रहेगा जलाना, काट के उसको जला दिया, फिर वहां पे खेती की जाएगी 3-4 साल के लिए, या जितना भी टाइम वो लैंड फर्टाइल रहेगी, कोई उसमें फर्टिलाइजर नहीं डालते, ठीक है, जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिल सके वो प्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद वो शिफ्ट कर जाते हैं किसी और लैंड पे, उस लैंड को छोड़ देंगे वो, और किसी और जगह पे फॉरेस्ट को काट के उसे जला के वहां पे खेती की जाएगी, ठीक है, ये होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब इसमें क्या था, जो शिफ्टिंग साइकिल था ना, जैसे मान लो इस लैंड पे आज खेती की है, इस लैंड पे 2 या 3 साल खेती की, फिर इसको खाली छोड़ दिया, वो अगली लैंड पे चले गए, फिर अगली पे जा रहे हैं, इस तरह से शिफ्ट करते जा रहे हैं। इस लैंड पे वापस जब पहले आते थे ना, तो पहले 10-12 साल लग जाते थे उसी लैंड पे वापस आने, इसको अपनों ने बोल दिया ना शिफ्टिंग साइकिल, ठीक है। उस लैंड पे वापस आने को
10 से 12 साल लग जाते थे, अब वो क्या कर रहे हैं उस लैंड में, वो वापिस आ रहे हैं 5 साल और इवन बिलो 5 ईयर। ठीक है, या तो 5 ईयर्स में ही वापिस आ जाते हैं या फिर 5 ईयर से कम, जैसे मान लो 2 या 3 साल या 4 साल में वापिस आ जाएंगे, भी ज्यादा टाइम खाली नहीं छोड़ते हैं। अब इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है भी ऐसा होता क्यों है, ऑप्शन दिए हुए हैं, अभी सारे ऑप्शन ही रेलिवेंट लग रहे हैं। फर्स्ट है इंक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, अब ये चीज भी हम सोच रहे हैं भी यार सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो गई तो उससे हो सकता है, भी पहले 10 साल लग रहे थे रिस्टोर होने में, अब फर्टिलिटी इंक्रीज हो गई तो हो सकता है 5 साल में भी रिस्टोर हो जाए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, इंक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी ऐसा कुछ नहीं है, सॉइल पहले भी उतनी फर्टाइल थी अब भी उतनी फर्टाइल है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। सेकंड है डिक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल फार्मर प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, अगर जो ट्राइबल, ट्राइबल का मतलब रहेगा भी जो आदिवासी किसान है, अगर उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई, ठीक है, अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई तो फिर वो साइकिल कम कैसे होगा, फिर तो साइकिल उल्टा और बढ़ना चाहिए, पहले तो 100 किसान थे खेती करने वाले, अब रह गए 50 किसान। ठीक है, डिक्रीज का मतलब तो ये हुआ ना, तो भी अगर 50 रह गए तो फिर तो वो साइकिल इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज थोड़ी होगा वो, तो ये ऑप्शन भी अगर आप कॉमन सेंस लगा लोगे तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल फार्मर्स, भी जो ट्राइबल फार्मर पहले 100 थे वो साइकिल चला रहे थे, अब मान लो जैसे 200 फार्मर्स हो गए तो अब उन्हें क्या करना पड़ रहा है, साइकिल का टाइम को कम करना पड़ रहा है, ठीक है, उसे श्रिंक करना पड़ रहा है ताकि जो उसकी फैमिली की नीड्स है उसे वो पूरा कर सके, तो जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे सही रहेगा। अब ऑप्शन डी देख लो, क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज हाई, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्वालिटी अगर हाई भी रहेगा तो वो जनरली कमर्शियली नहीं ग्रो करते हैं, ठीक है, वो बस अपने खाने के लिए ही ग्रो करेंगे, क्वालिटी हाई हो चाहे लो हो उसका कोई भी रोल नहीं है, तो जो ऑप्शन सी है वो सही है। ठीक है, आपके नोट्स में भी एज इट इज लिखा हुआ है और एक बुक में भी एज इट इज लिखा हुआ है, भी जो ट्राइबल फार्मर्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, इसी कारण जो शिफ्टिंग साइकिल पहले 10 से 15 साल का था अब वो श्रिंक होके 5 साल का रह गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखो, डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग, ठीक है, शीप का डोमेस्टिकेशन कब किया गया था, तो ये जो एंशियंट हिस्ट्री है ना ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर हेरिटेज वाला जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो शीप का डोमेस्टिकेशन था 7700 BC में। ठीक है, बीसी का मतलब रहेगा बिफोर कॉमन एरा, या बिफोर क्राइस्ट भी बोल देते हैं, या बिफोर कॉमन एरा, या अब जो कॉमन एरा है उससे 1700 साल पहले। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे पहले किस एनिमल का डोमेस्टिकेशन किया गया था, तो सबसे पहले डोमेस्टिकेशन किया गया था डॉग का। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है और इसकी हिस्ट्री मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इज कंजेनियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉयल एग्रीगेट एंड ह्यूमस लीडिंग टू इम्प्रूव सॉयल स्ट्रक्चर, सॉयल पोरोसिटी एंड पोर साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये बोल रहा है भी जो पहले तो आप देखो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर होता क्या है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर हम किसी भी एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस को बोल देंगे जिसके अंदर जो सरफेस रेजिड्यू है वो है मोर देन 30%, जहां पे सरफेस रेजिड्यू रहेगा मोर देन 30% वो किसी भी प्रैक्टिस को हम बोल देंगे भी ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है। ठीक है, भी सरफेस का जो रेसिड्यू है उसे हम रिमूव नहीं कर रहे, सरफेस पर ही रिटेन कर रहे हैं, उसे बोलेंगे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इज कंजीनियल, या इसको फेवरेबल बोल सकते हो, फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉयल एग्रीगेट। ठीक है, अब ये चीज तो अंडरस्टूड है ना, भी अगर रेजिड्यू ज्यादा है तो मतलब वहां पे ऑर्गेनिक मैटर भी ज्यादा होगा, अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, सॉयल एग्रीगेट्स ज्यादा बनेंगे। ठीक है, सॉयल एग्रीगेट्स क्या होते हैं, जैसे मान लो एक कंडीशन तो ये है इसमें जो सॉयल के पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग बढ़े हैं, एक कंडीशन आप मानो जिसमें सॉयल के पार्टिकल इस तरह से पास पास में है, ठीक है, आपस में जुड़े हुए हैं, तो जिस कंडीशन में ये आपस में जुड़े हुए हैं उसे हम बोलेंगे भी ये सॉइल एग्रीगेटेड है या फिर ये सॉइल के एग्रीगेट्स हैं। ठीक है, तो अगर ऑर्गेनिक मैटर किसी सॉइल में ज्यादा रहेगा तो उसके अंदर एग्रीगेट्स ज्यादा बनेंगे। ठीक है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एग्रीगेट का क्लियर हो गया, यहां तक ये स्टेटमेंट सही है। एंड ह्यूमस, अब ह्यूमस क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है उसका जब फाइनल डिकम्पोजिशन हो जाएगा, अभी जितना डिकम्पोजिशन उसका हो सकता था वो जब हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे ह्यूमस, या अगर अपने दूसरे शब्दों में इसकी बात करें, ऑर्गेनिक मैटर
दैट इज रेजिस्टेंट फॉर फर्दर ब्रेकडाउन। ठीक है, वो ऑर्गेनिक मैटर जो रेजिस्टेंट है फर्दर ब्रेकडाउन को, ठीक है, या फर्दर ब्रेकडाउन नहीं, सॉरी, अगर यहाँ पे डिकम्पोजिशन लिखेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, भी आगे उसका डिकम्पोजिशन और नहीं हो सकता है, उसे हम बोलेंगे ह्यूमस। भी बिल्कुल वो स्टेबल है, ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं भी स्टेबल इन नेचर, ठीक है, तो बिल्कुल स्टेबल रहेगा। और इसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते भी इसका पेरेंट सोर्स क्या था, भी बना किससे, जैसे फॉर एग्जाम्पल भी कोई एनिमल डेड हो गया, उसका जो ऑर्गेनिक मैटर उसका भी डिकम्पोजिशन होगा ना, और एक प्लांट का रेजिड्यू है, दोनों जब ह्यूमस बनेंगे ना, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते भी कौन सा ह्यूमस किससे बना है, क्योंकि वो ब्राउन या ब्लैक कलर का हो जाएगा और हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं भी एक्चुअल में वो क्या था। ठीक है, एंड ह्यूमस तो फॉर्मेशन एग्रीगेट्स का भी होगा और ह्यूमस का भी होगा, ठीक है, अगर ऑर्गेनिक रेजिड्यू है तभी तो ह्यूमस बनेगा। लीडिंग टू इम्प्रूव सॉयल स्ट्रक्चर एंड सॉयल पोरोसिटी, ठीक है, अब ये यहाँ तक भी बिल्कुल बात सही है, भी जो सॉयल स्ट्रक्चर है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी और जो पोरोसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर अपने बात करें ऑर्गेनिक मैटर की बल्क डेंसिटी की, तो ऑर्गेनिक मैटर की बल्क डेंसिटी रहेगी 0.5। ठीक है, तो जो सॉइल की पोरोसिटी है या जो सॉइल की कॉम्पैक्शन है उसे ये रिड्यूस करेगा। एंड पोर साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, भी जो पोर होते हैं कैपिलरी पोर और नॉन कैपिलरी पोर दोनों इक्वल रहेंगे इसमें, तो पोर साइज डिस्ट्रीब्यूशन को भी इम्प्रूव करेगा, तो जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो रहेगी बिल्कुल सही। ठीक है, अब सेकंड देखो, अडॉप्शन ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर रिजल्ट इन इंक्रीज क्रस्टिंग एंड सरफेस सीलिंग एंड डिक्रीज सॉयल वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, अब ये कह रहा है भी अगर आप कंजर्वेशन एग्रीकल्चर अडॉप्ट करोगे तो उससे क्या होगा, एक तो सरफेस क्रस्टिंग की प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाएगी प्लस सरफेस सीलिंग, ठीक है, वो तो मान लो क्रस्टिंग से ही रिलेटेड हो गया भी, अगर क्रस्ट डेवलप हो रही है तो जो सरफेस पे पोर्स हैं वो सील हो जाएंगे एंड डिक्रीज सॉयल वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, और जो वाटर होल्ड करके रख रही थी सॉयल वो डिक्रीज हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट गलत रहेगी। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट होता है, सॉइल की क्रस्ट नहीं बनेगी क्योंकि सरफेस कवर रहेगी। ठीक है, उसके बाद जो पोरोसिटी है वो भी इम्प्रूव होगी और सॉइल मॉइस्चर जो स्टोरेज करके रख रही है सॉइल वो भी इम्प्रूव होगा, तो ये जो स्टेटमेंट सेकंड है ये रहेगी गलत, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 80, ड्रग यूज्ड फॉर क्योर ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड डाइसेंट्री इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। ठीक है, अब ये बोल रहा है भी जो ड्रग यूज किया जाता है कॉन्स्टिपेशन के क्योर के लिए, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, कब्ज की प्रॉब्लम होती है ना जो, उसके क्योर के लिए प्लस डाइसेंट्री। ठीक है, डाइसेंट्री क्या होगा, कब्ज से जो जस्ट अपोजिट आप बोलो, जिसे हम लूज मोशन बोलेंगे या डायरिया बोलेंगे, या अगर डाइसेंट्री के अपन अच्छे से डिफाइन करें ना, तो वो ब्लडी डायरिया रहता है भी, वो डायरिया जिसके अंदर ब्लड भी आ रहा है, तो ये बोल रहा है भी ऐसा ड्रग जो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी यूज हो एंड डाइसेंट्री के लिए भी यूज हो, और वो किस क्रॉप से ऑब्टेन किया जाएगा। जनरली हम पढ़ते हैं तो वो हम प्लांटेगो ओवेटा, ठीक है, प्लांटेगो ओवेटा नाम रहेगा इस सब गोल का, ये सब गोल ही पढ़ते हैं और हम घर पे भी यूज करते हैं भी, कॉन्स्टिपेशन के लिए ये सब गोल ही यूज होगा, तो हम सोचेंगे भी ऑप्शन सी ही सही रहेगा, बट ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, मेंथा अरबेंसिस। ठीक है, मेंथा अरबेंसिस दोनों के लिए यूज होगा, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी यूज होता है और डाइसेंट्री के लिए भी यूज होता है। अगर अपने बात करें प्लांटेगो ओवेटा की तो वो यूज होता है सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी नहीं, यहाँ पे ऑप्शन ए सही रहेगा, क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है ऑप्शंस उसमें कैसे आए हैं। अब नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, अब इसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है, तो 1926 में क्या हुआ था, अभी 1926 में बनी थी रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, अब इसमें देखो लकीली एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 1926 को मैच किया गया रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर से, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अब देखो जो 1942 है इसमें आया था बॉम्बे लैंड डेवलपमेंट एक्ट। ठीक है, 1972 में बना था इक्रीस एक्ट, और 1953 के अंदर बना था सेंट्रल सॉयल कंजर्वेशन बोर्ड। तो आपको ये देखो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की हिस्ट्री से क्वेश्चन आया। ठीक है, मैंने बताया था अभी जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो,
ज्यादा लेंथी भी नहीं है, ठीक है, आसानी से आप कवर कर सकते हो उसे। ड्रॉट वाले से भी क्वेश्चन आते हैं, जो ड्रॉट अडॉप्टेशन है और उसकी हिस्ट्री भी मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर जो जोन्स क्लासिफाई किए गए हैं, भी किसमें कितना रेनफॉल रहेगा या कौन सी क्रॉप का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो ड्राई लैंड से है या इरिगेशन से है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रखनी है आपको। और ये देखो इसकी हिस्ट्री से क्वेश्चन आया, ठीक है, हिस्ट्री तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी ही जाएगी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब दो स्टेटमेंट दी हुई है रीजन असर्शन की। फर्स्ट है सोडिक और एल्कली सॉयल्स कैन बी रिक्लेम्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, असर्शन दिया हुआ है। अभी जो सोडिक सॉयल है या जो एल्कली सॉयल है उसे हम रिक्लेम कर सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के एप्लीकेशन से। कैल्शियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं लाइम या फिर एग्रीकल्चर लाइम। तो ये जो एग्रीकल्चर लाइम है ये यूज होता है एसिडिक सॉयल के रिक्लेमेशन के लिए, ठीक है, जिसे हम चूना बोलते हैं ना, तो चूना किसके लिए यूज होगा, जो एसिडिक सॉइल होती है उसे रिक्लेम करने के लिए यूज होगा। और जो सोडिक या एल्कली सॉइल है इसके लिए हम यूज करते हैं जिप्सम, इसके लिए हम यूज करेंगे जिप्सम। तो ये जो असर्शन दिया हुआ है ये गलत होगा। और इसमें एक चीज आप और याद रखना, एक तो वर्ड है एल्कली सॉइल और एक वर्ड होता है एल्केलाइन, ठीक है। तो ये जो एल्केलाइन वर्ड है ये एक जनरल वर्ड है केमिस्ट्री का, जो यूज होता है डिनोट करने के लिए भी किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी चीज का जो पीएच है वो 7 से ज्यादा है उसे डिनोट करने के लिए वर्ड यूज होगा एल्केलाइन। और अगर अपने बात करें एल्केली वर्ड की, पर्टिकुलरली सॉइल के लिए यूज होता है जिसके अंदर सोडियम ज्यादा हो, ठीक है, ESQ उसका मोर देन 15 हो, EC लेस देन 4 हो एंड जो पीएच है वो 8.5 से ज्यादा हो। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर जैसे मान लो आपके स्टेटमेंट आ जाए भी एल्केलाइन सॉइल्स हैव पीएच मोर देन 8.5, हम तो यही पढ़ते आए हैं तो अपन सोचेंगे भी स्टेटमेंट सही होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर एल्केलाइन सॉइल की बात होगी ना, ये जो LINE लग जाएगा तो उसमें बात हो रही है भी पीएच 7 से ज्यादा है, जनरल बात हो रही है वो, ठीक है। ये जो अपन सोडियम वाली सॉइल पढ़ते हैं इसके अंदर पीएच 8.5 से ज्यादा होगा, ये एल्केली है, तो नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें देखो भी ये असर्शन तो हो जाएगा गलत। अब अगर इसके रीजन की बात करें, रिमूवल ऑफ एक्सेस साल्ट टू ए डिजायरेबल इन रूटिंग जोन इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ सलाइन सॉइल। अब ये कह रहा है कि सलाइन सॉइल का जब हम रिक्लेमेशन करते हैं उसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या रहेगा, कि जो एक्सेस साल्ट है या जो सोलिबल साल्ट हैं उसको हमें रिमूव करना है, ये बेसिक प्रिंसिपल रहेगा। और ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि सलाइन सॉइल में सोल्युबल साल्ट ही प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। सलाइन सॉइल में आपको जिप्सम यूज करने की जरूरत नहीं है, सलाइन ये जो जिप्सम हम यूज कर रहे हैं ना ये एल्केली सॉइल में यूज करेंगे हम, सलाइन सॉइल में आपको जिप्सम यूज करने की जरूरत नहीं है। सलाइन सॉइल में आप सिंपली लीचिंग कर दो, उस खेत के ऊपर पानी खड़ा कर दो, जितने भी सोल्युबल साल्ट होंगे वो पानी के साथ डिजोल्व होकर नीचे चले जाएंगे और जो सॉइल है हमारी वो रिक्लेम हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें देखो अजर्शन तो सही है, सॉरी असर्शन गलत है और रीजन सही है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी सही रहेगा, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज बीन यूजिंग लॉन्ग रेंज और सीजनल फोरकास्ट फॉर द साउथ वेस्ट मॉनसून रेनफॉल ड्यूरिंग जून टू सेप्टेम्बर सेंस, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है या जिसे हम सीजनल फोरकास्ट बोलते हैं, जो एक सीजन के लिए होता है, ठीक है, 6 मंथ्स के लिए रहेगा, तो IMD है वो उसे कब से यूज कर रहा है, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही रहेगा, 1884 से, और किसको प्रिडिक्ट करने के लिए, साउथ वेस्ट मॉनसून को प्रिडिक्ट करने के लिए, जिसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, जून से सेप्टेम्बर, ठीक है। जो साउथ वेस्ट मॉनसून होता है 1 जून को एंटर करता है वो इंडिया में, और कहाँ से एंटर करेगा, वो केरल से एंटर करेगा, 1 जून को केरल से एंटर करता है और 15 जुलाई तक सारी कंट्री को कवर कर लेता है, और सबसे लास्ट वो जाएगा जैसलमेर में, जो वेस्टर्न राजस्थान है ना, सबसे लास्ट इम्पैक्ट उसका वहां पर होगा 15 जुलाई को, और वैसे 1 जून को केरल से ये एंटर कर जाएगा। और जो इंडिया का टोटल प्रेसिपिटेशन होता है उसमें से जो 75% कंट्रीब्यूशन है वो किसका रहेगा, साउथ वेस्ट मानसून का रहेगा। और अगर आपसे पूछा जाए भी इंडिया का एवरेज प्रेसिपिटेशन कितना है, एवरेज प्रेसिपिटेशन रहेगा 1194 mm, ठीक है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आए आपको प्रिपेयर रहना है,
और अगर अपने बात करें आईएमडी की, तो आईएमडी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में प्रेजेंट टाइम पर, ठीक है। इससे पहले था पुणे में, तो पुणे से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आईएमडी का हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो वो न्यू दिल्ली ही रहेगा। अब नेक्स्ट देखो, इन केस ऑफ प्री इमरजेंस हर्बिसाइड लेस ड्रॉपलेट साइज इज इफेक्टिव एंड फॉर पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड बिगर ड्रॉपलेट साइज इज डिजायरेबल, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो प्री इमरजेंस हम हर्बिसाइड यूज करते हैं उसके लिए तो ड्रॉपलेट का साइज कम होना चाहिए, और पोस्ट इमरजेंस के लिए ड्रॉपलेट का साइज बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा भाई कहीं भी नहीं लिखा है कि प्री इमरजेंस के लिए छोटा हो या पोस्ट इमरजेंस के लिए बड़ा हो तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ना ही इस पे कोई रिसर्च हुई है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो रहेगी गलत, ठीक है। प्री इमरजेंस का मतलब क्या होगा भाई, आप सोइंग के बाद और इमरजेंस से पहले, ठीक है, क्रॉप और वीड्स की इमरजेंस से पहले जो हर्बिसाइड अप्लाई कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे प्री इमरजेंस हर्बिसाइड। और पोस्ट इमरजेंस तो आप सबको पता ही है भी, जो वीड और क्रॉप दोनों की इमरजेंस के बाद जो हर्बिसाइड हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड। अब इसमें देखो स्टेटमेंट सेकेंड, मोर द साइज ऑफ ड्रॉपलेट लेस द चांस ऑफ हर्बिसाइड ड्रिफ्ट एंड लेस हर्बिसाइड एक्टिविटी, ठीक है। अब ये कह रहा है भी जितना बड़ा ड्रॉपलेट का साइज रहेगा जो ड्रिफ्ट के चांसेस हैं वो उतने ही कम होंगे, ठीक है। बिल्कुल सही बात है ये। ड्रिफ्ट क्या होती है, जैसे मान लो ये कोई फील्ड है, इसमें आप कोई हर्बिसाइड अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, कोई भी हर्बिसाइड अप्लाई कर रहे हो, हवा चल रही है, हवा के साथ वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो इस फील्ड से उड़ के दूसरे फील्ड में चली गई, ठीक है। दूसरे फील्ड में भी जैसे मान लो आप इस लाइन पे अप्लाई कर रहे थे, इस लाइन से उड़ के साफ वाली लाइन पे चली गई, तो उसे हम बोलेंगे हर्बिसाइड ड्रिफ्ट। अब एक ये चीज तो बिल्कुल कॉमन है ना, एक तो मान लो उसका ड्रॉप है, ड्रॉप का साइज है इतना, एक ड्रॉप का साइज है इतना बड़ा, तो अभी अगर आपसे पूछे भी ड्रिफ्ट किसकी ज्यादा होगी, तो भाई जो बड़े वाली ड्रॉप है उसी की तो ड्रिफ्ट ज्यादा होगी ना, जो ड्रिफ्ट से लॉस हो रहा है बड़े वाली ड्रॉप का ही ज्यादा होगा। तो अब यही ये स्टेटमेंट में बोल रहा है, मोर द साइज ऑफ ड्रॉपलेट लेस द चांस ऑफ हर्बिसाइड ड्रिफ्ट, ड्रॉपलेट का साइज जितना बड़ा रहेगा जो हर्बिसाइड की ड्रिफ्ट हो रही है उसके चांसेस उतने कम रहेंगे, तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही रहेगी, ठीक है। अगर उसका ड्रॉप का साइज छोटा है तो उसके जो ड्रिफ्ट के चांसेस हैं वो ज्यादा होंगे, ठीक है। एंड लेस हर्बिसाइड एक्टिविटी, अब हर्बिसाइड एक्टिविटी की अगर अपने बात करें, ये कोई लीफ है, इसके ऊपर एक तो अपन इतनी बड़ी ड्रॉप रख दी, एक छोटी ड्रॉप रख रहे हैं, तो भी ज्यादा इफेक्टिव कौन सी रहेगी, ज्यादा इफेक्टिव छोटे वाली रहेगी ना। तो अगर ड्रॉप का साइज बढ़ा रहे हैं तो उसमें दोनों ही बातें हैं, ड्रिफ्ट तो कम होगी बट उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो स्टेटमेंट टू यहाँ पे रहेगी सही, और जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो रहेगी गलत। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट जो स्टेटमेंट सेकेंड है वो बिल्कुल ट्रू है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो भाई, सिनॉप्टिक वेदर फॉरकास्ट आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज कॉम्प्लेक्स एटमोस्फेरिक इक्वेशन कैन बी अंडरस्टूड थ्रू न्यूमेरिकल चार्ट्स, ठीक है। अब ये कह रहा है, पहले तो आप देखो वेदर फॉरकास्ट क्या होता है भाई, जो मौसम की भविष्यवाणी होती है ना भाई, कल बारिश होगी या नहीं होगी, या इस मंथ में कितनी बारिश रहेगी, इस सीजन में कितनी बारिश रहेगी, उसे हम बोलते हैं वेदर फॉरकास्ट, ठीक है। अब ये कह रहा है भाई जो सिनॉप्टिक वेदर फॉरकास्ट है ये क्या ज्यादा पॉपुलर है वर्ल्ड में, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस है उसे हम अंडरस्टूड कर सकते हैं न्यूमेरिकल चार्ट से, जो न्यूमेरिकल चार्ट्स रहेंगे उसके द्वारा हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को अंडरस्टूड कर सकते हैं, इसीलिए जो सिनॉप्टिक वेदर फॉरकास्ट है वो ज्यादा पॉपुलर है। ऐसा नहीं होता है भाई, जो इक्वेशंस हम यूज कर रहे हैं, जो न्यूमेरिकल चार्ट हम यूज कर रहे हैं ना, वो हम यूज करेंगे जो स्टेटिस्टिकल वेदर फॉरकास्ट है ना, स्टेटिक्स के थ्रू हम करते हैं उसके अंदर यूज होगा, सिनॉप्टिक के अंदर यूज नहीं होता है। तो ये जो स्टेटमेंट फर्स्ट है ये हो जाएगी गलत। अब स्टेटमेंट सेकंड देखो, इन स्टेटिस्टिकल वेदर फॉरकास्ट अप्रोच ए फॉरकास्ट ट्राई टू कोरिलेट वन वेदर एलिमेंट विद अनदर, ठीक है। स्टेटिस्टिकल के अंदर क्या होता है भी, एक जो वेदर एलिमेंट है उसे कंपेयर किया जाता है दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट सेकंड है ये हो जाएगी राइट, तो इसमें ऑप्शन डी सही माना जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू, ठीक है। अभी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही रहेगी। अब इसमें देखो भाई, स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, और आपको आइडेंटिफाई करना है अभी इनमें से कौन कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही रहेगी, ठीक है।
फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट प्रटेनिंग टू स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन। पहले तो आप ये चीज देखो भी स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन होता क्या है। एक आपने नाम सुना होगा एसपीडी का, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना सीआरडी, आरबीडी और एक रहेगा सॉरी एसपी और डी, ठीक है। ये देखो एसपी और डी, पर एसपीडी हम स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन को नहीं बोलेंगे, एसपीडी हम बोलते हैं स्प्लिट प्लॉट डिजाइन, ठीक है। नाम इनका सेम है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एसपीडी हम किसे बोलेंगे, स्प्लिट प्लॉट डिजाइन को। एसपीडी के अंदर दो मतलब ऐसे रहेंगे फैक्टर्स, जिसको एक को तो एरिया कम चाहिए, एक को एरिया चाहिए ज्यादा। भी आप कोई भी ट्रायल लगा रहे हो उसमें से एक फैक्टर को एरिया ज्यादा चाहिए, एक को कम चाहिए, उस केस में हम यूज करेंगे स्प्लिट प्लॉट डिजाइन। और जो स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन रहेगा उसके अंदर दोनों को ही एरिया की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा चाहिए। जैसे मान लो एक तो आप इरिगेशन के लिए लगा रहे हो, एक आप टिलेज के लिए लगा रहे हो, तो दोनों को ही जो एरिया की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा रहेगी, ठीक है। उसे बोलेंगे हम स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन। और स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन के अंदर जो दो फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम, एक को तो बोलेंगे हॉरिजेंटल फैक्टर और एक को बोलेंगे वर्टिकल फैक्टर, ठीक है। ये भी सारी क्लासेस आपको कोर्स के अंदर मिल जाएंगी, मैं इसमें ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, बस बेसिक आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो आप, ठीक है। स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन है तो उसमें दो फैक्टर्स रहेंगे, हॉरिजेंटल और वर्टिकल फैक्टर, और दोनों ही फैक्टर्स को कैसा एरिया चाहिए, लार्ज एरिया चाहिए, ठीक है। स्प्लिट प्लॉट डिजाइन में एक को कम चाहिए और एक को ज्यादा चाहिए, बट स्ट्रिप में दोनों को ही लार्ज चाहिए। अब इसमें पहली स्टेटमेंट देखो, वर्टिकल स्ट्रिप प्लॉट एंड हॉरिजेंटल स्ट्रिप प्लॉट आर नेवर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये कह रहा है भी जो वर्टिकल स्ट्रिप है और जो हॉरिजेंटल स्ट्रिप है वो कभी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होगी, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है भी, जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जैसे अब ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसे हम बोल सकते हैं भी ये परपेंडिकुलर है। ये कह रहा है भी जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल है ये कभी आपस में परपेंडिकुलर नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। जैसे ये लाइन जा रही है या ये स्ट्रिप जा रही है, ये कैसी है भाई, हॉरिजेंटल है ना, और एक अगर अपने वर्टिकल बना ले, वर्टिकल बनेगी इस तरह से, तो अभी सामने दिख ही रहा है भी ये कैसा है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, तो जो पहली स्टेटमेंट है वो हो जाएगी गलत। अब इसमें देख लो जिस जिसके अंदर ऑप्शन मतलब ए वाला आ रहा है वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा और ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ठीक है। अब अपने पास बच गए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, प्रिसीजन एसोसिएटेड विद वर्टिकल फैक्टर इज सेक्रीफाइस टू इम्प्रूव द प्रिसीजन ऑफ ओरिजेंटल फैक्टर, ठीक है। अब भाई ऐसा नहीं होता, ये कह रहा है प्रिसीजन का मतलब आप एक्यूरेसी से समझ सकते हो भी, जो वर्टिकल फैक्टर की एक्यूरेसी है क्या, उसको हम सेक्रीफाइस कर देते हैं हॉरिजेंटल वाले की इम्प्रूव करने के लिए। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों का साइज बराबर है। अगर मान लो एक का साइज कम या ज्यादा है तो उस केस में तो हम मान सकते हैं, एक का साइज तो मान लो इतना सा है और एक का साइज इतना बड़ा है, तो अब आप देखो दोनों में से एक्यूरेसी ज्यादा किस में होगी, एक्यूरेसी तो भाई छोटे वाले में होगी ना। तो अगर तो एरिया कम ज्यादा होता तो उस केस में तो हम मान सकते थे, बट इसमें तो एरिया बराबर है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होगा भी एक उसकी आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम प्रिसीजन। तो ये जो स्टेटमेंट बी है ये भी हो जाएगी गलत, ठीक है। ए भी गलत थी, बी भी गलत थी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। हमारा ऑप्शन डी पहले से ही पता है अभी हमें सही होगा, ठीक है। अब देखो भी स्टेटमेंट सी क्या है, इंटरसेक्शन प्लॉट इज स्मॉलेस्ट इन साइज, ठीक है। इंटरसेक्शन प्लॉट भी जो यहाँ पे इंटरसेक्शन पे बन रहा है ना प्लॉट, वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, और ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी प्लॉट्स के कंपेरेटिवली जो इंटरसेक्शन वाला प्लॉट है वो स्मॉलेस्ट रहेगा। देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वर्टिकल प्लॉट एंड हॉरिजेंटल प्लॉट विद रिस्पेक्ट टू देयर साइज, ठीक है। अब ये कह रहा है भी जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल प्लॉट है उनमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं है विद कंपेयर टू साइज, ठीक है। ये बात भी बिल्कुल सही है भी, दोनों का साइज बड़ा रहेगा, और ऐसा नहीं है भी एक का साइज बढ़ने पर दूसरे को कम कर रहे हैं या दूसरे का कम होने पर एक का बढ़ रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी रहेगी सही। अब देखो फिफ्थ, प्रिसीजन ऑफ इंटरसेक्शन इफेक्ट इज लोअर देन मेन इफेक्ट ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल फैक्टर, ठीक है। अब ये कह रहा है भी जो इंटरसेक्शन प्लॉट है या जो इंटरसेक्शन इफेक्ट है उसकी प्रिसीजन को बोल रहा है भी सबसे कम होगी अगर अपने कंपेयर करें वर्टिकल और हॉरिजेंटल से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया है भी जो इंटरसेक्शन प्लॉट है वो सबसे स्मॉलेस्ट रहेगा साइज में, जितना कम साइज प्रिसीजन उतनी ज्यादा, ठीक है। अब एक तो आप नर्सरी लगाते हो, ठीक है, जब हम नर्सरी के फायदे पढ़ते हैं ना, भी एरिया स्मॉल रहेगा, हम अच्छे से देखभाल कर सकते हैं,
नर्सरी लगा रहे हैं हम 100 मीटर स्केयर में, ट्रांसप्लांटिंग उसकी कर रहे हैं 10,000 मीटर स्केयर में, तो बताओ भी मतलब अच्छे से आप देखभाल किसमें कर सकते हो, 100 मीटर वाले में कर सकते हो ना। और अगर आपको बोल दिया जाए भी डाटा कलेक्ट करना है उसका, 100 मीटर वाले में आप आराम से डाटा कलेक्ट कर सकते हो। ज्यादा एक्यूरेसी आपकी या ज्यादा प्रिसीजन किसमें रहेगा, 100 मीटर वाले में रहेगा ना। तो ये जो स्टेटमेंट ई है ये भी गलत हो जाएगी, प्रिसीजन है जो वो इंटरसेक्शन वाले प्लॉट का या इंटरसेक्शन इफेक्ट का ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू वर्टिकल और हॉरिजेंटल फैक्टर, ठीक है। तो इसमें सी और डी सही रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी, सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट देखो, न्यूमेरिकल है, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू स्प्रे हर्बिसाइड इन 2 हेक्टेयर लैंड, ठीक है, ये चीज आप नोट कर लीजिए, 2 हेक्टेयर लैंड में इफ 2 लीटर वाटर इज यूज्ड फॉर ए स्वैथ ऑफ 1.4 मीटर विड्थ एंड 50 मीटर लेंथ, ठीक है। ये कह रहा है भी आपको वाटर की वॉल्यूम निकालनी है भी 2 हेक्टेयर लैंड में कितनी चाहिए, अगर इतनी स्वैथ के लिए, इतने एरिया के लिए 2 लीटर पानी यूज हो रहा है, ठीक है। आप निकाल लो भी 50 50 मीटर लेंथ है भी, हम चले थे 50 मीटर और जो स्प्रे किया, यानी कि इस तरह से करोगे ना आप स्प्रे, तो ये जो स्वैथ था इसकी विड्थ थी 1.4 मीटर और पानी इसमें कितना यूज हो गया, 2 लीटर पानी यूज हो गया। तो आपको निकालना है भी अगर इसी हिसाब से आप 2 हेक्टेयर में स्प्रे करोगे तो कितना पानी यूज होगा, ठीक है। इसमें भाई आप देख लो, 1.4 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1.4 को मल्टीप्लाई कर दो 50 से, तो इसका एरिया आ जाएगा, एक सेकंड रुको, अपने कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, आपका भी समय बचेगा और मेरा भी समय बचेगा, ठीक है। 1.4 × 50, तो 1.4 × 50 आ जाएगा 17 मीटर स्केयर। भी अगर आप, हम 17 मीटर स्केयर में स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें कितना पानी लग रहा है, 2 लीटर पानी लग रहा है, ठीक है। अब आपको निकालना है भी 2 हेक्टेयर में अगर हम स्प्रे करेंगे तो उसमें कितना पानी लगेगा, ठीक है। तो इसको आप सिंपली डिवाइड कर दो, जो 2 हेक्टेयर है ना, जो ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, तो इसमें आप ऐसे मत सोचो भी यार एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होगा उससे मैं करूंगा, बहुत सारे तरीकों से हो सकते हैं। अगर अपने इसी न्यूमेरिकल को करें ना, 3 4 तरीकों से हो सकता है। आप सिंपली 20,000 को डिवाइड कर दो 70 से, ठीक है। पर मैं 20,000 को डिवाइड कर रहा हूँ 70 से, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 285, ठीक है, यानी कि 285 आ गया। अब एक 70 मीटर स्केयर में पानी कितना लग रहा था, 2 लीटर पानी लग रहा था, तो इस 285 को वापिस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 285 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ रहा है 571.4 लीटर, ठीक है। और इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। पहले से आपको ऐसे बाउंड होके नहीं रहना, भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होगा, कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं ऐसे भी जो तो उसके फॉर्मूले से ही होंगे, बट मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स है ना, जैसे जो वाटर मैनेजमेंट के आते हैं, या जैसे ये वीड वाला था, तो इसे आराम से हो जाते हैं, आपको ऐसे कोई जरूरी नहीं है भी पहले से कोई फॉर्मूला हो उसी से ही होंगे। तो इसमें देखो ये कह रहा था भी 1.4 मीटर की स्वैथ है, भी जो स्प्रे कर रहे थे वो 1.4 मीटर विड्थ थी उसकी और 50 मीटर लेंथ तक हमने किया, उससे आपने एरिया निकाल दिया भी 70 मीटर स्केयर में स्प्रे की थी उसके लिए पानी लगा था 2 लीटर, ठीक है। तो अगर हम 20,000 मीटर स्केयर में स्प्रे करेंगे तो कितना पानी लगेगा, तो हमने 20,000 को 70 से डिवाइड कर लिया, भी 2 2 लीटर अगर आप करके लगाओगे तो 285 बार स्प्रे होगी, और 285 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 571 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अर्थिंग अप इज नीडेड इन शुगर केन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांटिंग सिस्टम, ठीक है। भी जो अर्थिंग अप हम करते हैं शुगर केन में, तो किस प्लांटिंग सिस्टम में अर्थिंग अप की जरूरत पड़ेगी, तो जो ऑप्शन सी है फ्लैट बेड प्लांटिंग, इसके अंदर हमें अर्थिंग अप की जरूरत पड़ती है, और इसके अंदर जरूरत क्यों पड़ेगी वो भी आप देख लो। अब देखो जो फरो प्लांटिंग है, ठीक है, फरो प्लांटिंग में हम कर रहे हैं, फरो है साइड में उसके रिज है, तो उसमें आपको अर्थिंग अप की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो साइड में रिज है वो एक्ट कर रही है, जो अर्थिंग अप का जो ऑब्जेक्टिव था वो उस रिज उसे पूरा कर रही है, ठीक है, तो फरो प्लांटिंग में जरूरत नहीं है। फिर अगर अपने बात करें ट्रेंच प्लांटिंग की, तो ट्रेंच प्लांटिंग के अंदर क्या होगा, भी हम पहले से ही खाई खोद के लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे फरो वाला है ना वैसे ही ट्रेंच प्लांटिंग है, बट इसमें हम खुद से खाई खोद रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा रिज और फरो में। तो उसमें अगर आप
इसको लगा रहे हो ना, खाई खोद के लगा रहे हो, तो उसमें भी अर्थिंग आपकी जरूरत नहीं है, पहले से ही वो नीचे लगा हुआ है। फिर अगर अपने बात करें राइज्ड बेड प्लांटिंग की, ठीक है, राइज बेड प्लांटिंग है कि जहां पे आपने प्लांटिंग किया वो बेड ऊपर उठा हुआ है, तो उसको सॉयल पहले से ज्यादा मिल रही है। ठीक है, अगर सॉयल मिल रही है तो अर्थिंग अप की जरूरत नहीं है। अर्थिंग अप अपने क्यों करते हैं, अर्थिंग अप हम करते हैं, एक तो उसको ज्यादा सपोर्ट मिल जाए, ठीक है, अभी लॉजिंग वगैरह ना हो, तो ये जो फरो और ट्रेंच प्लांटिंग है इसमें तो वो पहले ही गहरा लगाया हुआ है, तो लॉजिंग की तो मतलब ही नहीं है इन दोनों में तो। और ये जो राइज्ड बेड प्लांटिंग है इसमें बेड ऊपर उठा हुआ है, तो उसको उतनी सॉयल मिल रही है, ठीक है। अर्थिंग अप का दूसरा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि उसको पूरी सॉयल मिले डेवलपमेंट के लिए, तो अगर बेड पहले ही नॉर्मल सॉयल से ऊपर उठा हुआ है तो उसे पूरी सॉयल मिल रही है, ठीक है। तो राइज्ड बेड में भी अर्थिंग अप करने की जरूरत नहीं है, जो फ्लैट फ्लैट बेड प्लांटिंग है उसके अंदर हम अर्थिंग अप करेंगे, ठीक है। और ये जो सॉयल वाला कंसेप्ट है ना, ये एक्चुअली पोटैटो और ग्राउंड नट में ज्यादा लगेगा, जो पोटैटो और ग्राउंड नट क्रॉप है ना उसके अंदर अर्थिंग अप वाला, ये जो सॉयल वाला कंसेप्ट है ये ज्यादा लगता है। ये ज्यादा क्यों लगता है, क्योंकि हमें पता है भी जो पोटैटो है वो भी अर्थ के अंदर डेवलप हो रहा है, ठीक है, और जो ग्राउंड नट है वो भी मिट्टी के अंदर डेवलप हो रही है। अगर उनकी जो रूट्स हैं, जो पोटैटो की रूट्स हैं या जो ग्राउंड नट की रूट्स हैं, वो लाइट को एक्सपोज हो जाए, ठीक है, अगर उन्हें लाइट मिल जाए, तो उस केस में जो इसकी ग्रोथ है अभी वो एडवर्सली इफेक्टेड होगी, ठीक है, पोटैटो की भी और ग्राउंड नट की भी। इसलिए हम अर्थिंग अप कर देते हैं, जैसे मान लो ये प्लांट है, जब आपने अर्थिंग अप कर दी तो ये दोनों साइड इस तरह से मिट्टी चढ़ जाएगी ना, मिट्टी चढ़ेगी तो जो लाइट है वो एंटर नहीं करेगी, लाइट एंटर नहीं करेगी, प्लस जो अंदर पोटैटो डेवलप हो रहा है या जो अंदर ग्राउंड नट का पॉड डेवलप हो रहा है उसे प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल जाएगा, प्रॉपर उसे आप बोल सकते हो भी लाइट की एब्सेंस मिल जाएगी अच्छे से डेवलप करने के लिए। तो इनमें ये ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा अलग रहेगा। और एक अगर बात अपन और करें शुगर केन के प्लांटिंग मेथड्स की, तो इसके यूज पूछा जाता है पर्टिकुलरली ट्रेंच प्लांटिंग का, भी ट्रेंच प्लांटिंग हम कहाँ पे करते हैं, तो ट्रेंच प्लांटिंग अपनाई जाती है कोस्टल एरियाज में। ट्रेंच प्लांटिंग अपनाई जाएगी कोस्टल एरियाज में, और कोस्टल एरिया में क्यों अपनाई जाती है, क्योंकि कोस्टल एरिया में हवाएं ज्यादा चलेंगी, ठीक है। कोस्टल का मतलब रहेगा अभी जो समुन्द्र के किनारे पे है। अब ये चीज तो आपको भी पता है ना, अभी फिल्मों में भी देखते हैं, और हो सकता है कोई आप में से बीच पे गया भी हो, हवाएं वहां पे ज्यादा चलती हैं, ठीक है, समुन्द्र के किनारे पे। अगर हवा ज्यादा चलेगी भाई तो लॉजिंग ज्यादा होगी, ठीक है, लॉजिंग की प्रॉब्लम ज्यादा रहेगी, तो इसीलिए ट्रेंच प्लांटिंग हम करते हैं। अभी पहले से ही वो थोड़ा सा जमीन के नीचे लगा हुआ है ताकि उसको सपोर्ट मिल सके और जो लॉजिंग की प्रॉब्लम है उसे हम कम कर सकें, ठीक है। तो ये जो ट्रेंच प्लांटिंग है इसका यूज रखना। और एक प्लांटिंग मेथड शुगर केन का और होता है एसटीपी मेथड, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है स्पेस्ड ग्रास प्लांटिंग मेथड। तो इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, इससे क्वेश्चन ऐसे आता है भी शुगर केन का ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें सीड रेट सबसे कम चाहिए। अगर तो वो फुल फॉर्म लिख देगा स्पेस ट्रांसप्लांटिंग, फिर तो अपन समझ जाएंगे भी ट्रांसप्लांटिंग दूर दूर की है तो सीड रेट कम चाहिए। अब वो लिखता एसटीपी है तो उसमें कंफ्यूजन हो जाती है, तो एसटीपी में सीड रेट सबसे कम चाहिए, ठीक है, और पर्टिकुलरली कितनी चाहिए, जो सीड रेट है ना वो 33% रिड्यूस हो जाती है, जो सीड की रिक्वायरमेंट है शुगर केन की, कितनी रिड्यूस हो जाएगी, वो 33% रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट में ऐसा आता है भी एसटीपी मेथड है जो शुगर केन प्लांटिंग का, उसमें 33% लेस सीड रेट चाहिए, तो वो जो क्वेश्चन है वो सही रहेगा। अब नेक्स्ट देखो, अंडर इंटर रो हार्वेस्टिंग द फरोज ऑफ अबाउट 30 to 40 सेंटीमीटर विद द डेप्थ ऑफ डैश आर अल्टरनेटेड बाय रिजेस ऑफ 60 to 70 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कह रहा है भी जो इंटर रो हार्वेस्टिंग करेंगे ना उसमें जो फरोज रहेंगी वो मतलब उनमें स्पेसिंग कितनी रहेगी, ठीक है। इंटर रो हार्वेस्टिंग द फरोज अबाउट 30 to 40 सेंटीमीटर, ठीक है, फरो रहेंगी 30 to 40 सेंटीमीटर की, सॉरी स्पेसिंग नहीं, उसमें डेप्थ कितनी रहेगी, ठीक है, भी डेप्थ कितनी है उसकी, और बाद में जो रिजेस हैं वो रहेंगे 60 to 70 सेंटीमीटर की, तो इनमें जो डेप्थ है भाई वो रहेगी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इंटर रो हार्वेस्टिंग होता क्या है, भी जो मान लो रेनफॉल हुआ, तो रेनफॉल के बाद में जो एक्स्ट्रा रन ऑफ जनरेट हो रहा है ना, जिसे सॉइल होल्ड नहीं कर पा रही, उन्हें हम रोज के थ्रू, मतलब जो रो है उनके थ्रू वो फार्म पॉन्ड में कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है,
इसे हम बोलेंगे ये इंटर रो हार्वेस्टिंग है, और इसमें 30 से 40 सेंटीमीटर की तो फरो होनी चाहिए, ठीक है। अभी जो फरो की डेप्थ, सॉरी विड्थ है, वो 30 से 40 सेंटीमीटर रहेगी, और जो उसकी डेप्थ है वो रहेगी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक आपने सुना होगा ब्रॉड हेड एंड फरो, ठीक है, BBF मेथड होता है, जो इसमें 105 सेंटीमीटर का तो बेड रहेगा और 45 सेंटीमीटर वाइड रहेगी फरो। ये भी ब्लैक सॉयल पे अपनाया जाता है, और इसका भी ऑब्जेक्टिव यही रहेगा भी जो अगर मान लो एक्स्ट्रा रन ऑफ हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, तो जो एक्स्ट्रा रन ऑफ रहेगा वो हम इन फरोस के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं फार्म पॉन्ड में, और बाद में इरिगेशन के लिए यूज कर लेंगे, ठीक है। ये जो BBF मेथड है ये रेन फेड के लिए भी यूज किया जाता है, प्लस जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा है, वाटर मतलब रेनफॉल ज्यादा हो रहा है, वहां भी यूज होगा ये, ठीक है। भी अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो वाटर लॉगिंग की कंडीशन ना हो, ये जो फरोज हैं ये एज ए ड्रेनेज चैनल भी एक्ट करेंगी, और अगर बारिश कम हो रही है तो उस केस में ये वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी एक्ट करेंगी, ठीक है। इसमें देखो ये जो ऑप्शन बी है यानी बी ओनली, ये सही रहेगा। अब नेक्स्ट देखो भाई, स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, अब इसमें से आपको बताना है भी कौन कौन सी जो स्टेटमेंट है वो रहेगी सही। तो क्ले कंटेंट ऑफ ब्लैक ब्लैक सॉयल रेंज फ्रॉम 30 to 80%, ठीक है, यानी कि जो ब्लैक सॉयल्स हैं उनमें जो क्ले कंटेंट है वो 30 से 80% रहेगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही रहेगी। जो अपने किसी सॉयल को अगर आपको क्ले सॉयल बोलना है ना, तो उसमें एटलीस्ट 35 या 40% क्ले कंटेंट होना चाहिए, फिर ही आप किसी सॉयल को क्ले सॉयल बोल सकते हो, ठीक है। और जो ब्लैक सॉयल्स होती हैं इनमें क्ले कंटेंट ज्यादा होता है, और कितना रहेगा 30 से लेके 80% तक। नेक्स्ट देखो, ब्लैक सॉयल्स आर डेवलप्ड इन बेसाल्ट और एलुवियम डिराइव्ड बेसाल्टिक रॉक, ठीक है। यानी कि जो ब्लैक सॉयल है वो किससे डेवलप होती है, जो बेसाल्ट मिनरल रहेगा उससे डेवलप होती है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इसीलिए जो ब्लैक सॉइल्स हैं इनका जो पीएच है वो स्लाइटली अल्केलाइन रहेगा, ठीक है, 7 से ऊपर होता है, क्योंकि किससे डेवलप हुई है, ये बेसाल्ट से डेवलप हुई है। और जो सॉयल डेवलप होती है ग्रेनाइट से, ठीक है, जो सॉयल ग्रेनाइट से डेवलप होगी उसका पीएच कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा। अब नेक्स्ट देखो, ब्लैक सॉयल एग्जिबिट इल्यूवेशन एंड आइल्यूवेशन प्रोसेस, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इल्यूवेशन और आइल्यूवेशन क्या होता है, भी वाशिंग अवे ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, अभी ऊपर वाले ओरिजिन से जो पार्टिकल हैं वो नीचे जा रहे हैं, नीचे वाले ओरिजिन्स में जा रहे हैं, ब्लैक सॉइल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ब्लैक सॉइल में क्ले कंटेंट ही बहुत ज्यादा पाया जा रहा है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है, उसमें तो वाटर मुश्किल से जा पाता है, तो भाई जो सॉइल के अंदर पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं या जो ऑर्गेनिक मैटर पाया जा रहा है वो कैसे नीचे मूवमेंट करेगा, ठीक है। ये चीज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी एल्यूवेशन और आइल्यूवेशन की जो प्रोसेस है वो ब्लैक सॉइल्स के अंदर नहीं होती है। नेक्स्ट देखो, ब्लैक सॉइल्स हैव हाई बल्क डेंसिटी, ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगी, क्योंकि जो ब्लैक सॉइल्स हैं उनमें कॉम्पैक्शन बहुत ज्यादा है, जो ब्लैक सॉइल्स है ना उनमें कॉम्पैक्शन बहुत ज्यादा रहेगा, यानी कि सॉइल वो लूज नहीं है, और जितना ज्यादा कॉम्पैक्शन है सॉइल की बल्क डेंसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। ये रिलेशन आप याद रखना, भी जो बल्क डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा पोरोसिटी के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा कॉम्पैक्शन के। अगर तो कोई कोई सॉयल है वो लूज ज्यादा है, ठीक है, अगर सॉयल लूज ज्यादा है तो उसकी जो बल्क डेंसिटी है वो कम रहेगी, अगर सॉयल वो कॉम्पैक्ट ज्यादा है तो उसकी बल्क डेंसिटी ज्यादा रहेगी, और अगर बल्क डेंसिटी की वैल्यू कम है तो वो हमारे लिए डिजायरेबल है। तो इसमें देख लो भाई, ए बी एंड डी रहेगा, ठीक है, सी स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए बी एंड डी स्टेटमेंट सही रहेगी, ठीक है। और अगर अपने बल्क डेंसिटी की बात कर रहे थे, तो इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, ऑर्गेनिक मैटर अगर आप ऐड करोगे तो सॉइल की बल्क डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर की जो BD है वो रहेगी 0.5। तो ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने से जो सॉइल की बल्क डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, और जो लूजनिंग इफेक्ट रहेगा सॉइल पे, ठीक है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में भी स्टेटमेंट में था ना, भी वो सॉइल को लूज कर देता है, सॉइल में एग्रीगेट्स बन जाएंगे, तो ये जो सारी प्रोसेस है ये किसको कम करेगी, जो सॉइल में कॉम्पैक्शन हो रही है या जो सॉइल में क्रस्टिंग हो रही है, ठीक है, क्रस्टिंग को भी कम करेगा ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि जो रेन ड्रॉप का एक्शन है ना उसी से क्रस्टिंग होती है, तो अगर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहेगा या कोई रेजिड्यू प्रेजेंट रहेगा सरफेस पे
तो उस केस में जो रेनफॉल का इम्पैक्ट है सॉइल पे वो कम होगा, ठीक है, वो रेजिड्यू खुद एब्जॉर्ब कर लेगा, इसीलिए कॉम्पैक्शन कम रहेगा और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो सॉइल को लूज कर देगा, ठीक है। बाकी अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।